बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री जो यहाँ हम लोगों के महागठबंधन में आए, तो आने के बाद से अब उनकी लार टपक रहा है, मोदी जी की और एनडीए का लार टपक रहा है, कब मेरे यहाँ आएंगे, तो अब ऐसा संभव नहीं है। एनडीए को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, जनता दरबार लगाया गया है और मंत्री जी तमाम फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं, मगर अब युवाओं को रोजगार मिलने लगा है। केंद्र सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है मंत्री जी, केंद्र सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है युवाओं। ये तो हम लोगों का जो यहाँ बिहार में जो सरकार है, और हमारे नीतीश बाबू और हमारे तेजस्वी बाबू, जो हमारे तेजस्वी बाबू ने वादे जो किए थे, उस वादों के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और बिहार में जिस तरह से युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रहा है, और उस सरकारी नौकरी पा करके बिहार के युवा जो है पूरे खुश हैं, और एक तरफ से केंद्र की गलत नीतियों के वजह से उदास भी है, तो अब वो तो देख रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा सभी विभागों में नौकरी दिया जा रहा है। अपने तेजस्वी बाबू और ये सरकार जो है अपने वादों के हिसाब से खरा उतर रहे हैं, तो वो हताश हैं, डरे हुए हैं। तो ये छोटा छोटा पैमाने पर वो एक छोटा पैमाने पर नौकरी दे करके बड़ा जो है विज्ञापन दे करके लोगों को ये कहने की प्रयास कर रहे हैं कि हम भी नौकरी दे रहे हैं, लेकिन वो जो 14 में वादे जो किए थे, उस वादों के हिसाब से 18 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलना चाहिए, और बिहार की कुल भारत की जनसंख्या का 8% बिहार में जनसंख्या है, उसके हिसाब से 18 करोड़ के हिसाब से बिहार में भी लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां मिलना चाहिए था मोदी जी के वादे के हिसाब से, नौकरियां तो मिला नहीं, उल्टा नौकरियां छीना गया। लोग जो है केंद्र सरकार के गलत नीति से हताश हैं, और 2024 में सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। 2024 में मोदी जी की सरकार और साथ ही एनडीए रसातल में जाएगी, लोग मन बना चुके हैं। 24 चुनाव से पहले जिस तरीके से नियुक्ति पत्र केंद्र सरकार के द्वारा बांटा जा रहा है, क्या लग रहा है युवाओं को फिर से रिझाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, नियुक्ति पत्र पूरा के पूरा 18 करोड़ लोगों को मिल जाए तब ना, जो रेलवे को जो आप बेच करके कंपनियों से बेच करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप तमाम तरह की कंपनियों को आप बेचने का काम किए, तो इस बात का वो जान रहे हैं कि सरकारी वैकेंसियाँ निकलता है तो उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को उसमें आरक्षण का लाभ दिया जाता है, और ये तो कंपनियों को बेच दिए, तो कहीं ना कहीं जो हमारी हक, जो अनुसूचित जाति का हक और अधिकार जो था, उस हक अधिकार को छीनने का काम किए, संविधान को ख़त्म करने का केंद्र सरकार की ये साजिश है, उसको हम लोग 2024 में हम लोग मोदी जी की सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करें। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया है, वेलकम किया है कि वो एनडीए में आते हैं, तो स्वागत कैसे? देखिए, मोदी जी की गलत नीतियों के वजह से हमारे बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री जो यहाँ हम लोगों के महागठबंधन में आए, तो आने के बाद से अब उनकी लार टपक रहा है। अच्छा, जो है मोदी जी की और एनडीए का लार टपक रहा है, कब मेरे यहाँ आएंगे, तो अब ऐसा संभव नहीं है। लग रहा है अभी कि नीतीश जी वापस करेंगे, मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि वापसी होगी नहीं? नहीं, हमारे यहाँ तो इंडिया को मजबूत करने में हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, और हम लोग पूरा पूरी हमारे नीतीश बाबू 2024 की हम लोग तैयारी में है, हमारे तेजस्वी बाबू 2024 की तैयारी में है, हमारे लालू प्रसाद यादव जी 2024 की तैयारी में है, और पूरी तरह से एनडीए को उखाड़ के
फेंक दिया जाएगा। बीजेपी ट्राई कर रही है नीतीश जी वापस आ जाए। तैयारी करते रहे, प्रयास करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने सुना मंत्री सुरेंद्र राम को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी लार टपका रही है, देश के प्रधानमंत्री लार टपका रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार पुनः एनडीए में शामिल हो जाए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।